अब बताओ भाई, बेटा मिला वलीमा करना जायज? हमारे हैदराबाद में तो और एक दावत भी होती, जरा हल्लू बोलता हूँ, तुम लोग सुन लो, खतना के फूल गदे। हमारे पास इतने दावत ना करने वाले, मीलाद पे एतराज कर रहा तो मेरे को टेंशन हो रही। कितने दावत आते, बिस्मिल्लाह की दावत होती हमारे पास, नहीं हमारे पास बर्थडे करना, शुक्राना है जी, शुक्राना है। एक साहब 75 साल में बर्थडे करे, 75 साल में, तो बाजू वाले मौलाना बोले, मरते वक्त कहीं को इन्हें खाली यही सोचता मरना है, वो है, ये टेंशन में रहता है ना हमेशा, खबर में हो जाओ। मैं बोला चाचा तुम करो, उन्होंने परेशान हो गए, उन्हें इतना बड़ा मौलाना, इतनी बड़ी छोड़ के नक्को बोला, तुम छोटी छोड़ के करो, बोले सिस्टम क्या। मैं बोला चाचा तुम तो डबल करना, डबल। बोले क्यों, 75 साल उम्र है, इससे बड़ा अल्लाह का फजल और क्या हो सकता है, शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी उम्र अता फरमाई है, शुक्राना करना जरूरी है दोस्तों। और कुरान का ऐलान क्या है सुनो, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें नेमतों में और इजाफा करके देता चला जाऊंगा। शुक्र करो, शुक्र, खुदा की कसम ये शुक्र है, कि इस बात का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आमिना का लाल दे दिया है, अल्लाह ने हमें लामका का मकी दे दिया है, अल्लाह ने अपना हबीब हमको अता कर दिया है, मालिक जन्नत हमको दे दिया है, मुख्तारे कायनात हमको दे दिया है, सारे नबियों का सरदार हमको दे दिया है, मेरा शाफे महशर हमको दे दिया है, गुनाहगारों की बख्शिश हो शफात कराने वाला अल्लाह ने हमको दे दिया है। अब बताओ गुलामों, जन्नत में किसी को किसी का बाप नहीं ले जाएगा, मगर जिसको ले जाएगा फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा लेकर जाएगा। आया इतना ही, थोड़ा और लगाओ। लोगों को पल्सर गाड़ी मिली तो मिठाइयां बांट रही, हमाकू आमिना का लाल मिल गया। आय हाय हाय हाय, जिसके नवासों को रब ने जन्नत का सरदार बनाया है वो आखा हम गुनहगारों को मिल गया है, जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत मुख्तारे कायनात बनाया है वो आखा हम गुनहगारों को मिला है, जिसका नाम पढ़ने से हम मुसलमान हो गए हैं, अल्लाह ने जिसे सारे नबियों का सरदार बनाया है वो नबी हमको मिला। अब क्या बुनता ओढ़ के सो जाएंगे? बोलो भाई बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको हक है पूरा, बीच में से आवाज ना निकालो, तुम लोग भी गलत है। नबी मिले मेरे भाई, नबी क्या मामूली बात समझ रहे हैं आप? एक साहब दाढ़ी छोड़े बाजू वाले, अपन लोग तो छोड़ते ही चले थे, हम तो दाढ़ी भी खुदा की कसम छोड़ते हैं, मगर दाढ़ी को हम दाढ़ी समझ के नहीं, मुस्तफा की सुन्नत समझ के छोड़ते हैं। तो बाजू वाले दाढ़ी छोड़े, ऊपर टोपी भी पहने, नीचे जुब्बा भी पहने, छोटा छोटा चिन्ना चिन्ना। मैं पूछा क्या है? दाढ़ी है। क्या होता? सवाब मिलता। वेरी गुड, दाढ़ी छोड़ने से अल्लाह राजी होता है, दाढ़ी छोड़ने से अल्लाह खुश होता है, दाढ़ी छोड़ने से नमाज पढ़े तो 70 गुना मिलता है, दाढ़ी छोड़ने वालों को खबर में अजाब नहीं होता है। बोलो ओफो, इतनी फजीलत है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मैं बोला भाई वो आखिर ये कौन बोले छोड़ो? बोल के नहीं नहीं मौलाना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। कितने प्यारे बातें करता रहती हूँ। रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मैं बोला बेवकूफ, सुन्नत से तेको इतनी मोहब्बत है, जिंदगी भर लगा लेके फिर रहा, कभी काटने का ख्याल तक नहीं आ रहा, कंगी कर करके सजा सजा के यूं 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 करके ऐसा करके रख रहा। अरे नादान, सुन्नत से अगर इतना लिहाज, तेरे को इतनी मोहब्बत है, तो सुन्नत देने वाले नबी से कितनी मोहब्बत होना चाहिए।